हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुप्ता ग्रॉसरी स्टार्टअप। आज के इस वीडियो में हम सर्फ एक्सल डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं। जो ये 10 रुपये का पाउच आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका पाउच कुछ इस तरह का रहता है, जो कि 80 ग्राम का एक पैकेट रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके होलसेल रेट के बारे में बात करेंगे कि इसकी बोरी का थोक रेट क्या रहता है, इसकी बोरी हमें कितने रुपए में मिल जाती है और इसमें कितने पैकेट इस पाउडर के रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा सर्फ एक्सल की क्वालिटी कितनी अच्छी रहती है। इसका डिटर्जेंट पाउडर बहुत ज़्यादा बिकता है और ये थोड़ा महंगा भी रहता है। इसका जो आधा किलो का पैकेट रहता है, 500 ग्राम का पैकेट, वो 70 रुपए में आता है और एक किलो का पैकेट लगभग 135 रुपए में मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 रुपए वाले डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका होलसेल रेट क्या रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये इस तरह की बोरी आती है सर्फ एक्सल निरमा की 10 रुपए वाले। तो देख लीजिए आप, इसमें कुछ इस तरह का ये सब लिखा रहता है, 120 रिटेल पैकेज और एक पैकेट 80 ग्राम का रहता है। कुछ इस तरह की इसकी बोरी रहती है और इसमें बहुत सारे ये पाउडर रहते हैं सर्फ एक्सल के। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिटर्जेंट पाउडर बहुत सारे पैकेट रहते हैं, 120 पैकेट इसमें रहते हैं। तो बात करें इसके होलसेल रेट के बारे में कि इसकी बोरी का थोक रेट क्या रहता है। तो इसकी बोरी का जो होलसेल रेट रहता है वो 1020 रुपये रहता है। इसकी बोरी हमें 1020 रुपये में मिल जाती है और इसमें इस तरह के पैकेट 120 पैकेट इसमें पाउडर रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें एक पैकेट के होलसेल रेट के बारे में, तो इसके एक पैकेट का जो थोक रेट रहता है वो 8.50 रुपये रहता है। 8.50 रुपये में एक पैकेट हमें मिल जाता है। जब इसकी बोरी हम ख़रीदते हैं तो हमें हर पैकेट में 1.50 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, 1.5 रुपये का प्रॉफिट हमें हर पैकेट में हो जाता है। तो दोस्तों, जब इसकी बोरी पूरी बिक जाती है फुटकर में, इसकी बोरी 120 पैकेट ये पाउडर बिक जाते हैं फुटकर में, तो हमें इसकी पूरी बोरी में 80 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा खासा इसमें मार्जिन मिल जाता है। और दोस्तों, ये थोड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। सर्फ एक्सल का पाउडर थोड़ा महंगा आता है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत शानदार रहती है। और दोस्तों, ये देख लीजिए आप, ये सर्फ एक्सल का पाउडर है, 500 ग्राम का ये पैकेट रहता है। और इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 71 रुपये रहती है। ये देख सकते हैं आप, 71 रुपये इसकी MRP है और ये 500 ग्राम का पैकेट है। और इसका जो होलसेल रेट रहता है वो 63 रुपये रहता है। इसका थोक रेट हमें 63 रुपये में मिल जाता है और इसका पैकेट 70 रुपये में मिलता है। तो हमें हर पैकेट में लगभग 7 से 6 रुपये तक का मार्जिन रहता है, इसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। और यहीं पे बात करें एक किलो के पैकेट के बारे में, तो एक किलो का जो पैकेट रहता है वो 140 रुपये MRP में आता है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी में वो भी डिटर्जेंट पाउडर रहता है और उसमें भी हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, 5 से 10 रुपये का मार्जिन मिल जाता है। और दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जो कि इसकी MRP बढ़ के आ चुकी है, 71 रुपये इसकी MRP हो चुकी है। काफ़ी महंगा ये डिटर्जेंट पाउडर हो चुका है। इसका जो पुराना रेट था वो 61 रुपये था और अभी इसका रेट बढ़ गया है, 71 रुपये इसका रेट हो गया है। और तो ये 70 रुपये में एक किलो बिकता है। और यहीं पे आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये सर्फ एक्सल का डिटर्जेंट पाउडर है, ये 70 रुपये में आधा किलो मिलता है और ये 70 रुपये में घड़ी एक किलो मिलता है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कितना फ़र्क है इसमें, इन दोनों में। तो इसकी क्वालिटी बहुत शानदार रहती है और इसमें कम डिटर्जेंट पाउडर रहता है, देख सकते हैं आप, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो घड़ी में हमें ज़्यादा मार्जिन रहता है, इसमें बहुत कम हमें मार्जिन मिल जाता है। और ये घड़ी का पैकेट है, 500 ग्राम का पैकेट, ये छोटा पैकेट आता है और इसकी MRP कुछ बढ़ के आ गई है, 36 रुपये इसकी MRP हो चुकी है। इसका जो पुराना रेट था वो 32 रुपये था और इसका रेट अभी बढ़ चुका है। तो इसके होलसेल रेट के बारे में बात करें तो इसका एक पैकेट का जो थोक रेट रहता है वो 31 रुपये रहता है और हर पैकेट में हमें 5 रुपये का मुनाफा हो जाता है। इसे हम 35 रुपये में ही बेचते हैं तो हर पैकेट में 4 रुपये का प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही होलसेल रेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए।